उद्धव जी की विदाई हो रही है, मथुरा जा रहे हैं, ये प्रसंग रह गया है। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वर्णन आया था कि उद्धव जी कई महीने ब्रज में रहे, नंदगांव में, गोवर्धन में, वृंदावन में, बरसाने में, कई महीने रह गए। और गोपीजनों को वह समय बहुत ही कम लगा, क्षण क्षण के प्राय। कई महीने उद्धव जी रहे ब्रज में और वह समय बहुत कम लगा। क्यों? कि ये कृष्ण कथा के महादानी उद्धव जी कृष्ण लीलाओं का गान कर रहे थे, कृष्ण का स्मरण करा रहे थे। और इसके बाद उन्होंने गोपियों के चरण रज की वंदना किया। ब्रज में लता गुल में तीर्ण बनने की कामना किया भगवान से, और बारंबार गोपीजनों का गुण गाते हुए धूली में लौटने लगे चरण रज में। अब इसके बाद अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि अथ गोपी रनु ज्ञाप्य जसोदाम नंद में वचा। उद्धव जी अंत में माता जसोदा से विदाई मांगे कि माँ मैं जा रहा हूँ, और नंद बाबा से, और इसके साथ ही साथ गोपों से मंत्रणा किए, परामर्श किए और जाने के लिए तैयार हुए।
दासार हो जास्यन आरुहे रथम, मथुरा लौटने के लिए जिस रथ पर वे आए थे उसी से उस पर चढ़ गए, तैयार होने लगे, जाने लगे रथ पर। तम निर्गतम समासाद्य नानो पायन पाणय, जब गोपों को सबको पता लगा, नंद यशोदा को और श्री राधा रानी को, गोपियों को, कि उद्धव जा रहे हैं, तो फिर वे बहुत दुखी हो गई। इतना दिन बहुत सुख से बिता, लेकिन अब कौन कथा कहेगा इस तरह के, कृष्ण की याद दिलाएगा। तो निकले सब लोग, अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्री लिए थे, और नंद आदि अनुराग से बोले उद्धव जी से, उनके आंखों में आंसू भरा हुआ था, चू रहा था, सब लोग बड़े विकल थे। तो कौन कौन उद्धव जी को क्या दे रहा है, मुख्य रूप से वो यहाँ पर बांचा जा रहा है। ये पृष्ठ 68 पर है, 68, और पद संख्या है 208, 9, 8 से चालू करते। धाई जित तित ते विदाई है तो उद्धव की, श्री गोपियाँ जहाँ तहाँ से दौड़ी, कोई बरसाने से, कोई चिखौली से, कोई जावट से, कोई कहीं से कहीं से दौड़ी। धाई जित तित ते विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संहारे तिन सांस। गोपियाँ बड़े विकल थीं, आरत थी कृष्ण के विरह में, तो वे दौड़ी सामान ले ले करके उद्धव जी को देने के लिए। कहे रत्नाकर मयूर पच्छ को लिए, कोई गोपी मोरपंख लेकर आ रही थी कि प्रियतम श्याम सुंदर को कह दीजिएगा ये पहनने के लिए। तो वहाँ सोने का मुकुट पहन रहे थे मथुरा में, फिर भी गोपियों का प्रेम है, कोई मोरपंख लेकर के आई। कहे रत्नाकर मयूर पच्छ को लिए, को गुंज अंजलि उमाहे प्रेम आसुरी, कोई गुंजा फल ला रही है। श्री कृष्ण वृंदावन में गुंजा फल की माला पहनते थे, एक फल होता है गुंजा, समान ऐसे कोई। श्री कृष्ण ब्रज में मोतियों की माला नहीं पहनते थे, ब्रज में मिलने वाले एक लता का वृक्ष का फल, उसको गुंजा कहते, उसकी माला पहनते थे। वृंदावन में हमने देखा था गुंजा माला। तो रत्नाकर कभी कहते हैं कोई मयूर पिछ लिए आया, मयूर का पंख, कोई गुंज माला अंजलि में भर करके, गुंज का फल, प्रेम आंसुरी, और आँख में प्रेम का आंसू और अंजलि में गुंजा फल। भाव भरी कौल लिए रुचिर सजाओ दही, और कोई बहुत सुंदर मीठा सजाव दही लेकर के आई। सजाव दही का अर्थ, उस दही को फोड़ा नहीं गया था, किसी मटकी में जमाया हुआ सजाव दही उसको कहते, तो उसको लेकर के आई कि श्री कृष्ण इसे खाएंगे, उनको भेंट देना। को मही मंज दाबी दलकत पासुरी, कोई बहुत सुंदर स्वादिष्ट माठा लाई, छाछ लाई, क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज में बहुत पसंद करते थे। उस समय उसकी दलकती पासुरी, पासुरी माने छाती, बहुत दलक रहा था, इसका अर्थ बहुत दुखी थी कि प्रियतम श्याम सुंदर को ये चीज़ नहीं मिलता है मथुरा में। पीत पट नंद, नंद बाबा ने पीताम्बर दिया, जसुमती नवनीत नयो, और जसुमती जसोदा जी ने नया अभी का काढ़ा हुआ माखन दिया, ताजा माखन। कीरति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी, और कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी स्वर वाली बांसुरी दी, जो बहुत अच्छा स्वर निकलता था जिस बांसुरी से, वो बांसुरी दिया।
धाई जे तीत विदाई है तऊव की धाई जी तीत धाई जी तीत विदाई है तऊव की धाई गोपी भरी आरती संहारती न सासुरी कह रतन कर मयूर पक्ष कौलिए कह रतन कर को गुंज अंजलि उमा हे प्रेमाया सुरी भाव भरी कौलिए रुचि रस जाव दही भाव भरी कौली कौ मही मंजुदा बिदल कति पसुरी पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयोजित पाट नंद जसुमती नवनीत नय पीत कीरति कुमारी सुरवारी दही बसुरी कीरति कुमारी सुरवारी दही बसुरी नंद बाबा पीला कपड़ा दिए जिसको कृष्ण पहनते थे ब्रज में बहुत अच्छा लगता था तो नया कपड़ा पीला दिए और मैया का स्नेह देखिए कि अभी अभी निकाल करके नया नवनीत दिया नया माखन दिया और कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी बहुत सुंदर बांसुरी दी उनको बहुत प्रिय लगता था कि श्याम सुंदर ब्रज में बांसुरी बजाते थे तो हो सकता है मथुरा में बांसुरी नहीं मिलती होगी तो ये ले जा कर के देना बांसुरी बजाने के कीर्ति कुमारी सुरवारी दई बांसुरी वहाँ पर भीड़ हो गई नंद बाबा थे जसुदा जी थी ये सब विदा दे रहे थे नंद बाबा बहुत सा रत्न रखे थे अपने घर में तो वो सब दे रहे थे कृष्ण को उनकी भावना थी कि मैं हो सकता है ना जीवित रहूं तो ये हमारा उत्तराधिकारी कौन है हमारा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा तो ये सब दे देना सोना हीरा चांदी रथ पर सब ला रहे तो गोपियों की दशा का वर्णन रत्नाकर जी करते हैं कौ जोरी हाथ 209 में है कौ जोरी हाथ कोई हाथ जोरी थी उद्धव जी को कौ नाई कोई कौ जोरी हाथ कौ नाई नम्रता सो माथ कोई हाथ जोरी थी और कोई नम्रता से माथा झुकाई थी भाषण की लाख लालसासों नहीं जात उद्धव जी से कुछ कहने के लिए लाखों लालसा भरी है कि ये कहूँ ये कहूँ ये प्रियतम को संदेश देना ये देना ये देना लेकिन इतनी लालसाएं भरी हैं कि उद्धव जी के पास जा नहीं पाती लालसासों नहीं जात
लालसा से बंधी हुई है। कह रतन कर चलत उठी उद्धव के कहे लेकिन उद्धव जी से वो कहना चाहती थी। जब उद्धव जी भी नंद बाबा के घर में थे और जब चलने के लिए तैयार हुए तो ये सब कातर हो गई, लगी रोने बिलाप करने। कातर है प्रेम सो सकल मही जात है, प्रेम से विकल होकर के सब गिर करके पृथ्वी पर मूर्छित हो गए कुछ देर के लिए। जब ही उद्धव जी चलने के लिए तैयार हुए फिर उठी। शबद न पावत जो भाव गावत जो शबद न पावत सो, तो प्रियतम श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखने लगे जल्दी जल्दी में और उद्धव जी को रोक रहे हैं कि अभी रुकिए अभी रुकिए अभी रुकिए, मैं लिख रही हूँ कुछ, पर लिख नहीं पाती है, कोई शब्द नहीं मिल रहा है लिखने के लिए, संबोधन क्या करें और क्या करें, ताकि ताकि आना न ठगे से ठगी ठही जात। उद्धव जी के चेहरे पर देख करके ठिठक करके रह जाती हैं, कुछ लिख नहीं पाती हैं। तब कहती हैं केवल शबद न पावत स्वभाव गावत जो शबद न पावत जो हृदय में भाव आ रहा है कृष्ण को लिखने के लिए, ये लिखूंगी ये लिखूंगी लेकिन कोई शब्द नहीं मिल रहा है और कोई शब्द नहीं, रो रही हैं हिचकी भर रही हैं। ताकि ताकि आना न ठगे से ठही जाता है, उद्धव जी के चेहरे पर देख करके ठीठक जाती हैं, कुछ कहती नहीं है, यही कह पाती हैं, कुछ कहती नहीं हैं लेकिन ये कहते हैं थोड़ा हमारा सुनिए, थोड़ा हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, सभी गोपियाँ ही कह रहे हमारा सुनिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, हमारा सुनिए हमारा सुनिए, और ये कह कर कर रह जाती हैं और कुछ कह नहीं पाती हैं। रंच हमारी सुनो रंच हमारी सुनो रंच रंच हमारी सुनो कही रही जात हैं। एक सुनो डबल छप गया है वो नहीं है। रंच हमारी सुनो कही रही जात हैं। रंचक हमारी सुनो, हमारी थोड़ी सी सुनिए, हमारी थोड़ी सी सुनिए। उद्धव जी अवसर भी देते हैं, ठीक है आप बोलिए, पर कोई शब्द बोल नहीं पाती, इतनी व्याकुलता है, वाणी नहीं आ रही है, हाथ नहीं चल रहा है, कलम नहीं चल रहा है, कोई शब्द भी नहीं आ रहा है। तब ये श्री गोपियाँ अंत में कहती हैं उद्धव जी से, उद्धव जी आप जब मथुरा जाइएगा तो यहाँ किसी के बारे में मत बताइएगा क्या हालत है। नंद जसुदाओ गाय गोप गोपी काकी कछु बात वृष भानु भवन हूँ कि न जनी कीजियो। नंद बाबा के बारे में कुछ मत बताइएगा, माँ जसुदा के बारे में भी कुछ मत बताइएगा, यहाँ की गौओं के विषय में, गोपों के विषय में और गोपिकाओं के विषय में, हम गोपियों के विषय में कुछ मत बताइए। यहाँ तक कि बात वृषभानु भवन हूँ की जनी कीजिए, और वृषभानु महाराज के भवन में क्या हो रहा, क्या दशा है राधिका रानी की, और सब ये बिल्कुल मत कहिएगा क्योंकि सुन करके उनको दुख होगा। कह रत नंद जसुदाय गाय गोप गोपी काकी कछु ।
बात ब्रिस भानु भवन हूँ कि जानी कीजियो रत्नाकर जी कहते हैं गोपियां कहती हैं कि सब हाहा करके विनय करके कहती हैं यहाँ के परपंच अनिशो रंच न पसी जियो। उद्धव जी ये तो ब्रज है यहाँ का ये परपंच चलता रहेगा सब रोते रहेंगे लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रियतम इनका समाचार सुन करके दुखी हों। कह रत न कर कहती सब हाहा खाई कह रत न कर यहाँ के पर पंचनी सो रंचन पसी जियो यहाँ के कोई चर्चा मत कीजिएगा आप खुद यहाँ के प्रपंच से पसीजिए मत पिघलिए मत क्या होगा कहने पर कि आंसू भरी आई हैं उदास मुख हुई हैं हाय आंसू भरी प्रियतम श्री कृष्ण के आंखों में आंसू भर जाएगा उनका मुख उदास हो जाएगा यहाँ की बात सुन करके ब्रज इसलिए ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजिए ब्रज में जो भी हो रहा है दुख राधा रानी को किसी को भी यहाँ के बारे में सांस भी मत लीजिएगा कुछ मत बताइएगा आंसू भरी आई हैं उदास मुख हुई हैं हाय आंसू ब्रज दुख त्रास की न ताते सांस लीजियो यदि श्याम सुंदर पूछें कि कौन कौन मिली थी तो आप केवल नाम और गांव बताइएगा इस गांव की गोपी मिली थी उसका ये नाम है और कुछ मत बताइएगा कैसे जी रही है क्या दुखी है ठीक है हम यहाँ दुखी रहेंगे लेकिन हमारे प्रियतम दुखी नहीं होना चाहिए उनको यहाँ का समाचार सुन करके दुख मत सुना कर दुख मत दीजिएगा नाम को बताई और जताई गाम उधोबस नाम को श्याम सो हमारी राम राम कही दीजियो श्याम सो हमारी राम बस नाम को बताई और जताई गाम उधो बस गाम माने गाँव केवल नाम बताइएगा कि राधिका मिली थी बरसाने उसका गाँव है जो चित्रा मिली थी चिकसौली में उसका गांव है बस नाम और गांव बताइएगा और कुछ मत बताइएगा नाम को बताई और जताई गाम उधो बस और श्याम से हमारा प्रणाम कहिएगा राम राम मतलब प्रणाम नाम को बताई और जताई गाम उधो बस नाम को बताई श्याम सो हमारी राम राम कही दीजियो श्याम सो अंत में श्री गोपियां कहती हैं।